वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फोटोशॉप पर कि A4 साइज में 5 फोटो बनाने का एक्शन हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं काफी दुकानों पर गया हूँ, देखता हूँ कि वो सभी लोग A4 साइज में 5 फोटो प्रिंट करके ही देते हैं, और मैंने जो अब तक वीडियो में एक्शन बनाए थे वो 4-6 की शीट के एक्शन बनाए थे। तो आज आपको मैं हेल्पफुल एक्शन बनाना भी सिखाऊंगा। अगर आप बना नहीं पाते हैं तो ये आपको एक्शन मिल जाएगा। एक्शन लेने के लिए आपको स्क्रीन पर एक कोड दिखाई दे रहा होगा, और उस कोड के माध्यम से आप उस एक्शन को प्राप्त कर सकते हैं या उसका पासवर्ड आपको लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं एक्शन आपको बनाना बता देता हूँ कि आप एक्शन कैसे बना सकते हैं या फिर उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप ओपन कर लेना है, और फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको कोई एक फोटो ले लेना है जिस पर आप एक्शन सेट करना चाहते हैं। मतलब वो एक्शन सभी फोटो पर काम करेगा, पर एक आपको फाइल बनाने के लिए प्रॉपरली एक वर्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फोटो खोल लेता हूँ। फोटो मैंने खोल लिया, देखिए मेरा ही फोटो है और अभी मैंने खींचा है ठंड में। और मैं यहाँ से अभी देखिए, अभी मैंने एक्शन शुरू कर नहीं किया है, केवल मैं अभी फोटो पर वर्क कर रहा हूँ। चाहो तो आप ये वर्क जो है कर सकते हो। मैं फिलहाल को इसका बैकग्राउंड हटा देता हूं। और बैकग्राउंड आप जैसा रखना चाहे ऐसा रख सकते हो। मैं थोड़ा सा बता दे दूं कि मैं जो है हमेशा इरेजर से ही बैकग्राउंड को रिमूव करता हूँ, आसान रहता है। देखिए इरेजर से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, और देखिए आसानी से, और ये फोटो नॉर्मल तरीके से व्हाइट में आ गया। मैं इसमें ज्यादा काम मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल एम करना है, तो थोड़ी सी फोटो की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। एक्शन की तरफ हम बाद में चलेंगे। फिर उसके बाद ओके कर देना है, फिर जाना है इमेज में और एडजस्ट में जाना है, और सिलेक्टिव कलर, इन्हें फोटो के आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो। मैं हमेशा इस तरीके से ही फोटो बनाते हूँ, और फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो ठंड का मौसम है, ठंड भी लग रही है। फोटो मैंने कर लिया है, आप कंट्रोल एल से भी इसकी जो लेवल से इसे सही कर सकते हो फोटो का। और देखिए फोटो लगभग ये सही हो चुका है, और आपको उसके बाद ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे एक्शन का काम यहाँ से शुरू होगा। देखिए जैसे ही हम इसे क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऊपर का जो साइज है 1.2 है, और इधर 1.5 है। अगर आप ये एक्शन मुझसे लेना चाहते हैं तो ये तभी काम करेगा जब आप इस साइज में फोटो को क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर हम फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, जितना आप चाहो इतना फोटो को क्रॉप कर सकते हो। फोटो को क्रॉप कर दिया, मैंने एंटर मार दिया है, फोटो क्रॉप हो चुका है। अब हमारा एक्शन का काम यहाँ से शुरू होगा। तो हम फोटो को साइड कर देते हैं। फोटो को साइड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा एक फोल्डर, ये मतलब ये एक्शन है। आपको यहाँ पर विंडो पर जाना है। विंडो पर जाने के बाद देखिए एक्शन पर अगर राइट का निशान लग रहा है तो उधर को आपको एक्शन का ऑप्शन दिखेगा, नहीं देखिए अभी हट चुका है, और यहाँ से आपका वापिस आ जाएगा एक्शन। तो एक्शन आपका आ चुका है, और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बना लेना है। तो मैं यहाँ फोल्डर बना लेता हूँ वेलकम अमरोहा के नाम से। आप कुछ भी नाम रख करके बना सकते हो। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है, मैं ओके करता हूँ। तो देखिए फोल्डर वहां क्रिएट हो चुका। अब इसी फोल्डर के अंदर हमें एक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पर इस पे जाएंगे, और यहाँ पर एक्शन के लिए आ गया, तो हम इसका नाम भी वेलकम अमरोहा रख देते हैं, और लास्ट में कर देते हैं A4। A4 हो चुका। अब देखिए नीचे जो पूछ रहा है फंक्शन की, आप किस फंक्शन से अपना जो एक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं या किस फंक्शन में आप अपना एक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि 2, 3, 4, 5 पर तो सभी होता है। मैं यहाँ पर 9 रखूंगा। और आप अगर आप खुद से बना रहे हैं तो शिफ्ट और कंट्रोल के साथ भी आप जो वर्ड रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से रेड मार्क आ गया, एक्शन हमारा यहाँ स्टार्ट हो चुका। अब हम काम करेंगे यहाँ पर। अब हम इस फोटो पर पहले हम जाएंगे ओपन फाइल पर, और यहाँ से जाकर के हम कंट्रोल एन करके A4 साइज की फाइल ओपन कर लेंगे। तो A4 साइज यहाँ पर रखा, और फाइल का यहाँ इसका नाम भी हम वेलकम अमरोहा रख देते हैं। चाहो तो आप A4 भी रख सकते हो, क्योंकि ये एक्शन जो एक बार सेव हो जाता है फिर वही डिटेल इसमें रहती है। तो वेलकम अमरोहा मैंने फाइल का नाम रख दिया, और फाइल को हम इसे इधर को कर लेते हैं, ये A4 साइज की फाइल है।
अब हम आते हैं इस फोटो के ऊपर। फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद अगर आप फोटो का बॉर्डर चाहते हो तो बॉर्डर के लिए आपको स्ट्रोक पर आना है। स्ट्रोक पर आने के बाद 5 सिलेक्ट करना है और उसके बाद कलर जो भी देना चाहो आप, सारे फोटो का कलर बाई डिफॉल्ट यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो मैं ब्लैक कलर देना चाहूंगा और मुझे ओके पर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। अब हम इस फोटो को रिटोट कर लेते हैं क्योंकि हम 5 फोटो बनाएंगे, तो यहाँ से हम रिटोट कर लेते हैं इधर को। फोटो रिटोट हो चुका है और फिर उसके बाद हम कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल सी करेंगे, फिर आएंगे हम इस फाइल पर, A4 की फाइल जो है, और आने के बाद हम कंट्रोल वी कर देंगे। तो देखिए हमने फोटो को वहां पर पेस्ट कर दिया है, पेस्ट हो चुका है। हम फाइल को बड़ा कर लेते हैं, फोटो को लेकर चलते हैं ऊपर और फाइल को जूम कर लेते हैं ताकि हमारा प्रॉपरली सेट हो पाए। तो यहाँ पर हमने फोटो को रख दिया। हमें क्या करना है, शिफ्ट और एल्ट के साथ फोटो को हम 1 से 2 करेंगे तो ये सीधा फोटो चलेगा। अगर आप इन दोनों बटनों को दबा करके नहीं करते हैं तो फोटो तिरछा चलेगा और आपका एक्शन फिर सही सेव नहीं होगा। तो 3 हो चुके हैं हमारे और यहाँ पर 4 फोटो, और एक उधर आ ही जाएगा, और हमारे हो चुके हैं यहाँ पर 5 फोटो। तो 5 फोटो हमारे सेट हो चुके हैं। हम जूम आउट इन कर सकते हैं और फिर हमारा एक्शन जो है बन करके तैयार है। हम अपने एक्शन को यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। देखिए हमने एक्शन स्टॉप कर दिया है और एक्शन हमारा बन करके तैयार हो चुका है। हम यहाँ से फोटो को काट देते हैं और यहाँ से इस फोटो को भी दोबारा से काट देते हैं और यहाँ पर आते हैं फोटो पर आते हैं। देखिए एक्शन हमारा बन के तैयार हो चुका है। कैसे बताएंगे, जैसे ही हम अपने फोटो को इस साइज में क्रॉप करेंगे, जो साइज मैंने आपको बताया था ऊपर 1.2 और 1.5, हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। और जो भी हम हमें से ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, फोटो को गोरा करने के लिए जो भी काम हमें करना होगा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, F9 जैसे ही दबाएंगे तो हमारा एक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा। और आप देख सकते हैं फोटो वहां पर सेट हो चुका है। ये देखिए फोटो वहां पर बन करके सेट हो चुके हैं, आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक्शन बन चुका है। अगर मैं आपको ये एक्शन मैं किसी और फोटो पर भी दिखा सकता हूँ। मैं एक बार क्रॉप कर देता हूँ फोटो, यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो देखिए मैं ये फोटो खोल लेता हूँ और यहाँ पर क्रॉप करना पड़ेगा हमें इसी साइज में। तो फोटो को क्रॉप कर लेते हैं यहाँ से। देखिए हमने फोटो को क्रॉप कर दिया और जैसे ही मैं F9 दबाऊंगा तो हमारा जो है एक्शन बन करके रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो फोटो हमने एक साथ बनाए हैं, तो अगर हमें मान लीजिए 10 फोटो बनाने, हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पर हमने क्लिक किया, उसके बाद दूसरे फोटो पर, तीसरे फोटो पर, चौथे फोटो पर, पांचवे फोटो, पांचवे फोटो पर क्लिक किया, फिर हमें कंट्रोल ई करना है। जैसे हम कंट्रोल ई करेंगे सारे फोटो एक जगह मर्ज हो जाएंगे। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट और एल्ट के साथ फोटो को नीचे कर लेंगे। तो देखिए फोटो हमारे यहाँ पर 10 हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम इन्हें 10 से 15 कर सकते हैं, फिर ऐसे ही 20 कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आपके आपके अनुसार फोटो नहीं निकलवाएगा, वो अपने अनुसार फोटो निकलवाएगा। अगर वो 5 निकालता है तो 5 आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर वो 10 निकलवाता है, 20 निकलवाता है, तो इस प्रकार से आप एक्शन बना सकते हैं। अगर आपको ये एक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो में एक कोड दिख रहा होगा और वो है कोड उस फाइल का पासवर्ड होगा। तो हमने आपको एक्शन बना करके दिखाया, आपको अच्छा लगा होगा और ये एक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है या आपको एक्शन बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।